शाहरुख खान स्टारर फिल्म रईस का 7 दिसंबर को ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। और खबरों की माने तो रईस में काम कर रही पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान को फिल्म से बाहर किया जा सकता है। जी हाँ, और ये फैसला पाक कलाकारों के हो रहे विरोध को लेकर किया गया है। हालांकि अभी फिल्म के डायरेक्टर का इस मामले पर कोई बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि उरी हमले के बाद से भारत में पाकिस्तान का जमकर विरोध हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी कलाकारों को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में भी पाक कलाकार फवाद खान के होने पर फिल्म को लेकर शिवसेना ने बवाल किया था। रईस गुजरात के गैंगस्टर अब्दुल लतीफ के जीवन पर बनाई गई फिल्म है और अब्दुल के बेटे मुश्ताक अहमद ने शाहरुख को लीगल नोटिस भेजा है। मुश्ताक का कहना है कि अगर उन्हें 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तभी वह फिल्म को रिलीज होने देंगे। अभी फिल्म रईस में शाहरुख एक गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं। शाहरुख स्टारर फिल्म रईस 26 जनवरी को रिलीज होनी है। ऐसे में इन खबरों में कितनी सच्चाई है, यह आने वाला समय ही बताएगा। देखते रहिए टीवी लाइव।